हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे आयरन मैन से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है मार्वल की तरफ से, ये एक रूमर है। और ये अपडेट मुझे पता चला है अमर उजाला प्रेस से, और उनको ये अपडेट पता चला वाशिंगटन डीसी की रिपोर्ट से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे आयरन मैन ने मौत कैसे हुई। आप सभी को पता होगा, अगर आपने एवेंजर एंड गेम देखी है, आयरन मैन ने सभी को बचाते में अपने आप को कुर्बान कर दिया स्नैप करते ही। पर टोनी स्टार्क हमारा इतना ज़्यादा स्मार्ट था, हमारा आयरन मैन इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि उसको पता था कि हीरोगिरी करने से कभी भी मैं मर सकता हूँ। तो उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड करा, और यही मैसेज आगे के लिए एक ईस्टर एग बन गया, एक ऐसा रेफरेंस बन गया जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि हाँ, रॉबर्ट डॉनी जूनियर एक आयरन मैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपकमिंग टीवी सीरीज या मूवी में रिटर्न हो सकते हैं। अब टोनी स्टार्क मैसेज रिकॉर्ड कर सकता है, तो क्या अपने आप को AI में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं? अगर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पर मेरे हिसाब से यस, टोनी स्टार्क मैसेज रिकॉर्ड कर सकता है तो वो अपने आप को AI में कन्वर्ट भी कर सकता है, जो कि एक चिप में होगा जिसके ऊपर लिखा होगा टोनी। जी हाँ, उनने अपने आप को पूरा AI सिस्टम में कन्वर्ट करके रखा होगा, क्योंकि उसको पता था कि मैं अगर कभी मर गया तो आने वाली विरासत को मैं हेल्प कर सकूं आने वाली टेक्नोलॉजी में। जैसा कि उनने जार्विस बना रखा था, जैसा कि जार्विस सारे सूट उड़ा सकता था, उसकी हेल्प करता था, काम में मदद करता था, तो ऐसे ही टोनी स्टार्क ने भी अपने आप को AI में कन्वर्ट कर लिया होगा। यह है वो आर्टिकल जिसमें साफ साफ लिखा है कि अपकमिंग टीवी सीरीज जो कि डिज्नी प्लस की होने वाली है, जिसका नाम आयरन हार्ट हो सकता है। ये एक रूमर है, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं। इस डिज्नी प्लस टीवी सीरीज में जो कि आयरन हार्ट के ऊपर बनेगी, इसमें एक लड़का या लड़की होगी, अभी इसका कोई उसमें बताया नहीं गया है, पर कोई भी होगा जो कि आयरन मैन टोनी स्टार्क की आगे विरासत को आगे बढ़ाएगा, जिसमें कि AI के रूप में मदद करेंगे वॉइस ओवर में रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जो कि आयरन मैन का रोल प्ले करेंगे। जी हाँ, यानी कि आने वाला फ्यूचर टोनी स्टार्क एज अ वॉइस ओवर पे होंगे, जो कि AI सिस्टम में होंगे, जो नहीं अपनी आने वाली विरासत में लोगों की मदद करेंगे। अब वो आयरन हार्ट हो सकता है, चाहे वो आयरन मैन 3 वाला लड़का हो सकता है, पर रॉबर्ट डॉनी जूनियर इस रोल के लिए कन्फर्म है, जो कि वॉइस ओवर देंगे। अब AI होगा तो वो सारे काम कर सकेगा, जैसे कि आयरन मैन 3 में जार्विस सारे सूट उड़ाता था, टोनी स्टार्क की हेल्प करता था, तो ऐसी AI में टोनी स्टार्क भी वो सारे काम कर सके होंगे। तो अगर रॉबर्ट डॉनी जूनियर वॉइस ओवर में रिटर्न होते हैं तो आपको कैसा लगेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कि ये अच्छा होगा या नहीं। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देखो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो मैं इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।